सर्वोदय एक्सप्रेस पूरी गति से गुजरात की ओर दौड़ी चली जा रही थी। खिड़की के किनारे बैठी नई दुल्हन जयश्री बाहर देखती हुई विचारों में खोई थी। दिल्ली में पली बढ़ी जयश्री सोच रही थी, ना जाने कैसा होगा अहमदाबाद, ना जाने कैसे होंगे वहाँ के व्यक्ति। अब तो उसे वहाँ ही बसना है। वह अपने नए परिवार के विषय में भी सोच रही थी। बीच बीच में वह बारातियों पर भी दृष्टि डाल लेती। दूल्हे सहित कुल 5 व्यक्ति ही तो आए थे विवाह में। सभी आराम से बैठे गपशप कर रहे थे। पास वाली सीट के एक युवक और युवती भी उनके पास बैठकर बातों में ली। बस जयश्री ही थी जो चुप बैठी थी। कभी कभी पास बैठे दूल्हे राजा से ही एक आधा वाक्य बोल लेती थी। वह घूंघट नहीं किए थी। दुल्हन की लाज और संकोच का घूंघट तो था ही। जयश्री ध्यान से सभी की बातें सुन रही थी। उसने पाया कि वह युवती उसके परिवार से जल्द ही बहुत घुल मिल गए हैं। वे बता रहे थे कि उन्हें भी अहमदाबाद ही जाना है। वे वहीं रहते हैं, वहाँ उनकी कपड़े की मील है। देखने में भी सौम्य और संपन्न लग रहे थे। रास्ते में सभी खाते पीते चल रहे थे। कभी चिवड़ा, कभी श्रीखंड, तो कभी खमन ढोकला। गुजराती खाने पीने का ढेर सारा सामान रखा था। युवक युवती भी पास बैठे थे, सभी से घुल मिल गए थे। अतएव सब अपने साथ साथ उन्हें भी खिला रहे थे। वे ना ना भी कर रहे थे, परंतु साथ बैठे थे, परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्हें भी खिलाना सामान्य शिष्टाचार था। रास्ता लंबा हो तो प्रायः सहयात्री ऐसा करते ही हैं। उस युवती ने भी अपना टिफिन खोला और बर्फी निकाल कर सबकी प्लेट में रखने लगी। उन लोगों ने बहुत मना किया कि हमारे पास तो बहुत सामान है, पर युवती मानी ही नहीं और बोली, वाह, आप अपना ही खिलाए जा रहे हैं, हमारा भी तो कुछ चख कर देखिए, बहुत स्वादिष्ट काजू बर्फी है। जयश्री सबकी प्लेटों में बर्फी रखती हुई उस सुंदर युवती को देखे जा रही थी। उसने यह भी ध्यान दिया कि युवती ने अपनी और अपने साथी की प्लेट को छोड़ दिया था। जयश्री के मन में तुरंत विचार आया, ये स्वयं क्यों नहीं ले रहे हैं। जयश्री ने उससे कहा, आप भी तो लीजिए ना, आप लोगों ने तो इतना खिला दिया कि सचमुच चूरन खाना पड़ेगा। लीजिए आप लोग और लीजिए, बर्फी का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए वह कहने लगी। नहीं, हम लोग भी बहुत खा चुके हैं, जयश्री के ससुर कहने लगे। जयश्री तो वैसे भी बहुत कम खा रही थी। माता पिता का घर, पुराने सभी रिश्तेदार छोड़ते उसका मन उदास था। उसकी प्लेट में अभी भी बहुत सामान बचा था, परंतु बर्फी खाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा ना हुई। वह सोचने लगी, देखने में कितने ही भले लगते हों, बातचीत में कितने ही अच्छे हों, पर क्या इन अपरिचितों की चीज़ खाना उचित है। इस समय हमारे पास रुपए, कीमती कपड़े, सामान और गहने भी हैं। जयश्री ने उस बर्फी को छुआ भी नहीं। उसने सबकी आंख बचाकर कागज की प्लेट मोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दी। सभी बर्फी की तारीफ कर रहे थे, तो जयश्री ने भी प्रशंसा कर दी। खाते पीते रात होने लगी। थके हुए तो सब थे ही, सब अपने अपने बिस्तर लगा लिए। जयश्री को ऊपर वाली साइका पर भेज दिया गया। सामने ही पति महोदय भी लेट गए। उन्होंने गहनों और रुपए वाला ब्रीफकेस सिर के नीचे लगा रखा था। जयश्री ने देखा कि 15-20 मिनट में ही उनकी आंखें मुंद गईं और खर्राटे लेने लगे। उसने नीचे झांका, सभी सोए हुए पड़े थे, पर थके होते हुए भी जयश्री की आंखों में नींद ना थी। हाँ, थकान और भाग दौड़ से उसका सिर अवश्य भारी हो रहा था। वह भी आंखों पर अपनी कोहनी मोड़ कर लेट गई। बीच बीच में वह पति को भी निहारती जाती थी। जयश्री ने कुछ सरसराहट सी सुनी तो वह चौंकी। उसने कनखियों से पति की ओर देखा तो पाया कि युवक नीचे खड़ा उनके सिरहाने के गहनों वाला ब्रीफकेस धीरे धीरे निकाल रहा है। जयश्री ने पल भर में निर्णय लिया और कपड़ों से भरा अपना सूटकेस, जो उसके सिर के नीचे लगा था, खींच कर पूरी शक्ति से युवक के सिर पर पीछे से दे मारा।
हाय चिल्लाकर वह वहीं बैठ गया। युवती उसे पकड़ने आई, तब तक तो जयश्री झट से कूदकर उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने युवती की बांह को पूरी शक्ति से पकड़ लिया और जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। रात के सन्नाटे को चीरती हुई जयश्री की आवाज़ डिब्बे में गूंज उठी। पास वाले कई यात्री और गार्ड भी वहां दौड़े चले आए। युवक तो बेहोश पड़ा था। जयश्री से झगड़ रही थी, तू मुझ पर झूठा आरोप लगाती है। गार्ड ने आकर युवती को पकड़ लिया। जयश्री ने पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहा, मुझे शक है कि बर्फी में कुछ नशीली चीज़ मिली हुई है। तब तक स्टेशन भी आ चुका था। पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर ने दवा सुंघाकर सभी बारातियों को होश दिलाया। वह तो समझ रहे थे कि अहमदाबाद आ गया, इसलिए उन्हें उठाया जा रहा है। आंखें मलते हुए वे उठ बैठे और पुलिस तथा भीड़ को देखकर भौचक्के रह गए। उनकी समझ में कुछ ना आ रहा था। कुछ देर बाद जब पूरी बात उनकी समझ में आई तो उन्हें जयश्री पर गर्व होने लगा। इसके बाद पूरी रात उनकी पलकें भी न झपकी। वह जयश्री की प्रशंसा कर रहे थे। अब हम सब जगे हुए हैं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, बहुत थकी होगी। जयश्री मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से बड़ा संकट टल गया था। दूसरे दिन अखबार में भी जयश्री के साहस का यह समाचार छपा। बर्फी में नशीली चीज़ मिली हुई थी। युवक और युवती यात्रियों को नशीली चीज़ खिलाकर लूटने वाले गिरोह के ही सदस्य थे। दोनों को जेल भेज दिया गया।